कृषि विज्ञान केंद्र पंबे कुलगाम की जानिब से आज कबारी लोगों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सुकाष्ट के एक्सटेंशन डायरेक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी ने तरबती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले पढ़े लिखे नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल हरियाणा के ज़ेर इहतमाम कृषि विज्ञान केंद्र में मियारी बीज काश्तकारों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। डायरेक्टर मौसूफ ने बताया है कि ज़रई मियारत नौजवानों को ज़रई तैयारी में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेगी ताकि वो खुद रोजगार के साथ साथ दूसरों को हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्राम के जरिए रोजगार फराहम कर सकें। पेश है इस हवाले से कुलगाम न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। जनाब बुस विकन कृषि विज्ञान केंद्र पम्बे कुलगाम पे अवान मुख्तलिफ कस्मों अवेयरनेस प्रोग्राम या ट्रेनिंग दिन आज खास कर ट्रेनिंग यह नर्सरी रेजिंग प्रोग्राम यहां हूश कि नर्सरी कथ हेको बन तो पे नर्सरी बन कूत प्रॉफिट हे जनरेट ग तो यम प्रोग्राम अगर इथे कार बार 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 रोजन तो मुमकिन से सोन यूथ यु जन सह हे पी इनकम जनरेट ये कर सह हिशित तो बेस अमे अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां वर्मी कंपोजिट हूश कथ क्या बना बहुत लाइव स्टॉक पोल्ट्री उस ये यह मशरूम वह प्रोग्राम ये अगर इंसान यूत ये इंसान हिशत ग तो वह फायदे अम सब मिलना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम फाजिल फयाज सूफी तो बिछी जी बॉम्बे रोजन तो क्योंकि कुलगाम से हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है 7 दिनों की तो यहाँ पे हमने बहुत ही सारी नॉलेज हासिल की हैं। तो ऑलरेडी हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं हमने मिलेट कुकीज़ बनाया है और पीनट बटर बनाई है ऑर्गेनिक। तो मेरे पार्टनर भी यहाँ पे साथ है तो ट्रेनिंग में हिचे जी मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कित पे तो जनाब मेरा नाम मुनीब इकबाल बी पम्बी रोजान करे ट्रेनिंग कंटिन्यू लग भग गए ओर रेत ट्रेनिंग कंटिन्यू कर प्रोडक्ट तॉन्च तथ मिलेट कुकीज एगलेट कुकीज तो बेहतर अम वगैरह पीनट बटर नेचुरल स्वीट्स कर इंट्रोड्यूस। आज जो आप यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम में है ये प्रोग्राम देख रहे आप ये इतने लोगों का मजमुआ देख रहे आज हमारी ये चार एक प्रोग्राम थे चार प्रोग्राम में तीन प्रोग्राम थे हमारे जो स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ है जो हम देही नौजवानों को हुनर का एक ट्रेनिंग दे देते हैं 7 दिन का कैप्सूल कोर्स रहता है वो तीन प्रोग्राम थे। और उसके अलावा हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले वो करनाल हरियाणा से इंस्टीट्यूट है उनकी मावनत से हमें यहाँ ये जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ट्राइबल बरादरी में करना है ये मतलब था आज के इस प्रोग्राम में। पहले ट्राइबल की बात जब मैं करूँ इन लोगों के लिए जो हमने आज यहाँ पे सीड्स दे दिए मकई दे दी काउपी दे दिया और उसके बाद में हमने इनको सोयाबीन दिया एंड ये तो मूंग दे दिया और उसके अलावा जो हमने इनको आज प्लांटिंग मटेरियल आपको पता है इस वक्त दौर है प्लांटिंग मटेरियल को लगाने का शजरकारी का तो उसके चलते हमने इनको बहुत क्वालिटी एप्पल और चेरी के ट्री दिए। खुश आइन बात इसमें यह है कि जो हमने इनको अपने सीड से मुरवजा सीड से हट के जो सीड दे दिए उसके लिए हम इनको ये कह रहे हैं कि आप इसकी पैदावार कर लीजिए आप इसको अपने खेतों में ये प्रोपोगेट कर लीजिए और उसके बाद में आपके ख़रीदार हम हैं हम इनको बायबैक पॉलिसी के तहत इन सीड्स को ले लेंगे और उन सीड्स को लेकर जो कृषि विज्ञान केंद्र है फिर उनको और दूसरे लोगों में रेप्लिकेट करके उनको दे करके ताकि उनके पास भी इस अलग किस्म का बीज फराहम हो। दूसरी बात यह है कि जो ये ट्रीज़ है हम प्लांट्स दे देते हैं एप्पल के हैं इसका तो करीब 450 रुपया एक का कीमत है और इसी तरह जो हम चेरी दे रहे 300 के करीब का एक है लेकिन इनको सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जहाँ तक स्ट्राइक ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ की बात करेंगे हमने कई एक फील्ड्स लिए हैं हम तो गुज़िश्ता साल से भी यहाँ करके आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम खा वो हॉर्टिकल्चर में हो एग्रीकल्चर में हो सीरीकल्चर में हो होम साइंस में हो एपियरी में हो या अचार बनाने का जो है जैम जली वगैरह इन लड़कियों को जो ट्रेनिंग देते हैं
इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इसकी मामलत हमें मैनेज हैदराबाद से होती है और उसके बाद में हमारा ये मुद्दा रहता है कि ये बच्चे जो ट्रेनिंग करके के एंटरप्रेन्योर बने, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, या अगर इनकी तादाद ज़्यादा बनती है तो ये एक FPO भी बन सकते हैं जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र इनकी मामलत करेगा। शुक्रिया।